नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि और उनसे जुड़ी परंपरा के पीछे के विज्ञान के विषय में, जिनमें हम बात करेंगे शिवरात्रि और महाशिवरात्रि कब आती है, महाशिवरात्रि का महत्व क्यों है, महाशिवरात्रि के समय की खगोलीय गतिविधि के क्या प्रभाव हैं, महाशिवरात्रि के दरमियान होने वाली पूजा विधि और जागरण का महत्व क्या है और इन परंपराओं का वैज्ञानिक आधार क्या है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष जो कला होती है उसके अनुसार निर्धारित की गई तिथि के अनुसार चलता है। यह तिथि में बदलाव कभी कभी दिन के समय में और कभी रात्रि के समय में होता है, अर्थात तिथि की शुरुआत दिन की शुरुआत से हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस आधार से शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी या चतुर्दशी के दिन पर निर्धारित होती है। 12 महीनों की 12 शिवरात्रि का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन 12 शिवरात्रियों में से जो शिवरात्रि माघ और फाल्गुन के बीच में अमावस्या के पूर्व यानी कृष्ण पक्ष में होती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। भारत के कुछ जगहों में यह महीना महामास के नाम से भी चलता है, उनके लिए महामास में आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि से जानी जाती है। अन्य शिवरात्रि से महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि महाशिवरात्रि के समय कुछ खास खगोलीय गतिविधि होती है। खगोलीय गतिविधि के विशेषज्ञ के अनुसार शिवरात्रि के समय चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र से गुजरता है, जिसके कारण इस नक्षत्र के प्रभावी तारे का प्रकाश चंद्र पर से परावर्तित होकर धरती पर पड़ता है, जो सभी जीव सृष्टि के लिए जल तत्व की वृद्धि के लिए लाभकारक होता है। रात्रि के समय पद्मासन या सुखासन में शिवलिंग के समक्ष बैठने से इसका प्रभाव शरीर की ऊर्जा पर पड़ता है, क्योंकि ऐसे बैठने से सभी ऊर्जा चक्र एक सीधी रेखा में होता है और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन यानी नीचे के ऊर्जा चक्र मूलाधार से ऊपर के चक्र की तरफ वहन सहज हो जाता है। यही कारण है कि योगी हमेशा इसी स्थिति में बैठकर ध्यान का अभ्यास करते हैं। रात्रि के जागरण का यही कारण है जिससे इन परिस्थितियों का महत्तम उपयोग शरीर की ऊर्जा को संतुलित कर ऊर्ध्वगमन में लगाया जा सके। वैदिक संस्कृति में शिव को आदि योगी कहा गया है। महाशिवरात्रि को मंदिर में शिवलिंग की पूजा और बिलीपत्र के चढ़ावे का तथा पंचाक्षरी मंत्रोच्चार का भी वैज्ञानिक कारण है। जैसा कि हमने जाना, महाशिवरात्रि का समय ध्यानियों के लिए सर्वोत्तम समय है और इस समय की जाने वाली पूजा मनुष्य के आध्यात्मिक प्रगति के लिए अधिक फलदायी होती है। बिलीपत्र बहुत ही अद्भुत औषधि है। इसके कई सारे गुण धर्म व्यक्ति के शरीर और श्वसन तंत्र की बीमारियों में लाभकारक होते हैं। तिरुवनंतपुरम की जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में किए गए प्रयोग में उन्होंने बताया है कि बिलीपत्र के वृक्ष के पाए गए द्रव्य से सांप के जहर के असर को भी नाबूद किया जा सकता है। इसके अलावा बिलीपत्र में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म एनर्जी वाइब्रेशन को ग्रहण करने की शक्ति होती है। शिवलिंग एक प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं, जिस पर बिलीपत्र चढ़ाकर अगर व्यक्ति खुद के पास रखे तो उसके शरीर और मन पर विशेष सकारात्मक प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। शिवलिंग पे होने वाली जल की धारा से जब यह जल पत्तों पर पड़ता है तब पत्तों के रंध्रों में से जो वायु निकलती है वह विशेष प्रकार की अरोमा उत्सर्जित करती है। अरोमा थेरापी के विशेषज्ञ के अनुसार यह श्वसन तंत्र के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। पत्तों से निकलने वाली वायु को अगर आप देखना चाहते हो तो एक प्रयोग कर सकते हैं। गर्म पानी में कोई भी वनस्पति के पत्तों को डालें और फिर देखें वायु का उत्सर्जन बबल के रूप में होता देखने को मिलेगा। यह अरोमा सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन है। पंचाक्षरी मंत्र से उत्पन्न होने वाली ध्वनि मंदिर के घूमट के कारण परावर्तित होकर पूजा स्थान में बैठे व्यक्ति को प्रभावित करती है। ध्वनि का व्यक्ति के शरीर में और मन पे क्या प्रभाव होते हैं ये हमने दूसरे वीडियो में जाना हुआ है। कई जगह शिवलिंग पर दूध या घी भी चढ़ाया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान केवल इतना है कि शिवलिंग अधिकतर मंदिरों में पत्थर का बना होता है। चर्बीयुक्त पदार्थ जैसे घी तेल या दूध चढ़ाने से पत्थर की मजबूती कायम रहती है। यदि पत्थर सूखा रहा तो उसके टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। यही कारण से रुद्राक्ष को भी टूटने से बचाने के लिए घी में डुबोया जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि बिलीपत्र पंचाक्षरी मंत्र और सुखासन या पद्मासन में बैठकर रात्रि जागरण यह सब व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति या कहे कुंडलिनी जागृति के लिए या कहे ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।